ये आ गया मेरा। हम इस वक्त जो घूम रहे हैं वो सुल्तान अहमद एरिया में घूम रहे हैं। ये जो करेंसी कलेक्टर हूँ मैसेज कर देना हमें। एमिनोनू अभी हम जा रहे हैं, आपको दिखाते हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में मास्क जरूरी है। 3000 से ज्यादा मॉस्क हैं इस्तांबुल सिटी में अकेले में। चीज देखने के लिए मैं तरस रहा था, मजा आ रहा था। ये आपकी टर्किश कॉफी आपका फ्यूचर बताती है। जय हिंद, नमस्ते, स्वागत है आपका एक और नए दिन में। मैं हूं आपका दोस्त मनोज मल्होत्रा। हम यहां पर हैं इस्तांबुल में। इस्तांबुल में कैसे आया ये आपको सारी सीरीज आप देखते रहेंगे, लेकिन इस्तांबुल आने की कोई भी मैंने वीडियो नहीं बनाई, ना ही मैंने इस्तांबुल की कोई वीडियो बनाई। लेकिन यहां पर घूम रहे थे हम यानी कि मेरे साथ इस वक्त है मेरा प्यारा भाई नवानपुर चौधरी, जिन्हें आप यात्री डॉक्टर के नाम से जानते हैं। हम लंच करने बैठे थे एक जगह, ब्रेकफास्ट और लंच, ब्रंच कह लीजिए, हमने सुबह से कुछ नहीं खाया था। हम एक साथ रह रहे हैं, मैं, मेरा प्यारा छोटा भाई परमवीर बेनीवाल, मेरा प्यारा भाई यात्री डॉक्टर नामांकुर चौधरी, और मेरा एक और प्यारा भाई सेठी साहब, जिसे आप पंजाबी वॉन्डरर के नाम से जानते होंगे। तो हम चारों लोग थे। मेरा कोई प्रोग्राम नहीं था वीडियोस वगैरह बनाने का यहाँ पर इस्तांबुल में, क्योंकि मैंने अपनी फैमिली को वादा किया था कि मैं इस्तांबुल कभी भी जाऊँगा तो आप लोगों के साथ जाऊँगा। एनी हाउ मुझे आना पड़ गया, क्योंकि ट्रैवल करता हुआ आ रहा था जॉर्डन, सीरिया, उसके बाद लेबनान। लेबनान से कोई भी ऐसी टिकट नहीं मिली कि मैं कहीं आगे फर्दर ट्रैवल करूँ। तो ये सब लोग यहाँ थे और इन्होंने भी बोला भैया यहाँ मिलते हैं इस्तांबुल में, तो इस्तांबुल आ गया। ब्रंच कर रहे थे, मैं वैसे ही बात करते करते लगा कि यहाँ का जो फूड है, टर्किश फूड, वो फेमस है, तो उसकी वीडियो बनाते हैं, कुछ देखते हैं, खाते पीते हैं। इस बहाने थोड़ा सा इस्तांबुल आप लोगों को भी दिखेगा। अभी हम एक रेस्टोरेंट में बैठे हैं, ऑथेंटिक कबाब करके रेस्टोरेंट है। फूड आ गया है और ये मेरा प्यारा भाई नवांकुर चौधरी, वो बताएगा हमने क्या क्या मंगाया है। ये तो है भाई लामा जून, जो यहाँ की मेरी फेवरेट डिश लगी, कभी भी चलते फिरते इसको खा सकते हैं। और ये है अपना अदना कबाब, ये मैंने पहली बार देखा है, ये तो मैं खाता रहता हूँ। और ये आ गई अपनी तैतीस चाय। तो हमने मंगाया है लामा जून, जो कि ब्रेड पे कोई कीमा टाइप लगाते हैं, ये चिकन कीमा, और चाय, और ये सैलड, और अदनान कबाब इसको कहते हैं। ये मोस्ट फेमस मतलब डिश है यहाँ पर टर्की में, इन्होंने बताया। इसमें कबाब है, राइस है, और पोटैटो है, चिली ये है, और इसके साथ ये ब्रेड दिया है इन्होंने हमें, कुछ ये चटनियाँ। अच्छा, नवांकुर ने एक बहुत बढ़िया बात बताई कि भाई जो चीज़ खाने को मिल जाए उसे मैं ट्राई करता रहता हूँ, क्योंकि नया कहीं भी बैठ के नया फूड ऑर्डर किया वो बेकार आ गया तो फिर पेट नहीं भरता। तो मतलब ठीक है, ट्राई कर सकते हैं हम सब कुछ, पर कई बार जब ज़्यादा भूख लगी होती है ना, तब मैं वही ट्राई करता हूँ जो मेरे को पता है कि हाँ यही आएगा। अच्छा, तो एक बहुत नॉलेज की बात बताई छोटे भाई ने, और बहुत बढ़िया बात है आप लोगों के लिए सीखने की बात है, कि अगर आप किसी भी रेस्टोरेंट में जा रहे हैं और कुछ नया ऑर्डर कर रहे हैं और आपको बहुत भूख लगी है, और अगर वो चीज़ मतलब नहीं पसंद आई, पैसे के पैसे खराब जाएंगे आपके, और फिर आपका मूड भी खराब होगा, भूख तो लगी थी, पैसा मूड दोनों खराब होगा, तो इस चीज़ को आप ध्यान रखें। ये ट्राई किया लामा जून, जो रोटी के ऊपर कीमा लगा हुआ है, बढ़िया है। आप जब भी आएँ, ये नवांकुर का रिकमेंडेशन है, मेरा भी ये बेस्ट है। मतलब अगर चीज़ें ढूंढनी पड़े तो जहाँ लामा जून मिल जाए, रोटी के ऊपर कीमा, और कह दो स्पाइसी बना देना, अगर स्पाइसी तो अच्छा लगता है। इंडियन हो तो कह दो स्पाइसी बना देना। तो मैं बता देता हूँ भाई, ये तो पहली बार खा रहा हूँ मैं, है तो कबाबी, पर पता नहीं नाम अदना कबाब क्या है इसमें फेमस। खाना खा लिया, बढ़िया था, कैसा लगा भाई? मेरे को अच्छा लगा, बढ़िया था। बिल आया 207 लीरा, और एक लीरा इस वक्त लगभग 5 रुपए के बराबर है, मतलब 5 इंडियन रुपीस का लीरा, राइट? और टर्किश जो है लीरा वो गिरता जा रहा है, पहले कोई 20 रुपए के आसपास होता था, 5 रुपए पे हो गया है। तो टर्की आने का, इस्तांबुल आने का ये सही समय है, और इन्होंने टैक्स लिया है 10%, और यहाँ पे टैक्स जो सर्विस टैक्स है वो माफ नहीं होता इंडिया में। भाई ने बोला कि बताओ, आप ही बताओ भाई। तो मैंने पूछा था कि इंडिया में तो मतलब चाहो तो दे सकते हो, चाहो तो नहीं दे सकते, अपना जो होता है। पर ये बोले यहाँ पे तो
देना ही पड़ेगा। तो हम सिर्फ नॉलेज के लिए पूछ रहे हैं। ये आ गया मेरा प्यारा छोटा भाई परमवीर सिंह बेनीवाल, और ये है देवांग सेठी, पंजाबी वॉन्डर के नाम से भाई का चैनल है। हम इस वक्त जो घूम रहे हैं वो सुल्तान अहमद एरिया में घूम रहे हैं, जो कि हाजिया सोफिया बिल्कुल जिस एरिया में है। हाजिया सोफिया तुर्की का, इस्तांबुल का एक लैंडमार्क है, और पूरे विश्व में हाजिया सोफिया की फोटोज आपने देखी होंगी, एक ऐसा लैंडमार्क। और यहाँ पर जगह जगह ये भुट्टे जो हमारे वहाँ कॉर्न, और ये एक चीज है, क्या है, चेस्टनट, चेस्टनट इंग्लिश में चेस्टनट बोलते हैं, चेस्टनट। तो ये चेस्टनट मिल रहे हैं भाई, ये भी ट्राई करके देखते हैं। नवांकुर, हमने अपने प्यारे भाई जो कि इस टाइम वीडियो बना रहा परमवीर से पूछा था क्या है, परमवीर ने भी टेस्ट नहीं किया ना। नहीं, परमवीर टर्की कई बार रहा है, चार पांच बार टर्की रहा है, और का इस बार तो महीनों महीनों था, परमवीर ने भी टेस्ट नहीं किया। हम करते हैं आज टेस्ट, ये क्या है, टर्की है, 100 ग्राम, 100 ग्राम, 100 ग्राम, 100 ग्राम। तो ये 100 ग्राम है 15 लीरा के, पूरा क्या करते हैं ये पूरा बंद होता है, ऐसे अखरोट नहीं होता, बंद होता है, कट लगा के फिर इसको पानी में थोड़ा धोके रखते हैं, धोके के बाद फिर इसको ये करते हैं, तो ये फूल जाता है थोड़ा सा, जैसे बादाम थोड़ा फूल जाता है ना, वैसा अखरोट है। इसका टेस्ट भी बादाम जैसा ही होगा, ये अखरोट है बेसिकली। लो भाई, लो नवंकुर जी, कच्चा अखरोट है यार, अखरोट बादाम टाइप है, बादाम टाइप ना अखरोट ही है ये, कच्चा अखरोट है, नहीं खाएगा भी नहीं खा रहे ये। इधर तो ऐसे देंगे, और जहाँ समुद्र का वो देंगे मछली, मुसल्स होती है कौन सी काले रंग की, इधर ये देंगे जहाँ समुद्र नहीं होगा, तो वो मेरे को बिल्कुल नहीं पसंद, इसलिए मैं ये भी नहीं खाता। और ये इसके रेट है भाई, सेंस नहीं बना रहा है रेट, मतलब कोई 400 भी खरीदेगा उसको डिस्काउंट तो कुछ मिल नहीं रहा। पैसे की बात में हमेशा नवंकुर आगे रहेगा। ये बानी है यूट्यूबर्स का। हमारे पीछे ये है हाजिया सोफिया, जो तुर्की का सबसे फेमस लैंडमार्क है, और इसकी वीडियोस आप नवंकुर भाई के चैनल पे देख लेना। मैंने अभी कोई ऐसी वीडियोस नहीं बनाई, जस्ट एक फूड टूर हम बना रहे थे, जो जो स्ट्रीट फूड आता जाएगा दिखता जाएगा, खाते जाएंगे, टेस्ट बताते जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी ना रेस्टोरेंट शॉप खाने पीने की बहुत सारी है, और ऑब्वियसली एक टूरिस्ट स्पॉट है, बहुत बड़ा टूरिस्ट स्पॉट है वर्ल्ड का, इसलिए होंगी ही यहाँ पर तो ये रेस्टोरेंट शॉप्स वगैरह। लेकिन और भी जगह इस्तांबुल में जहाँ हम रह रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं आ रहे हैं, सब जगह खाने पीने की बहुत सारी शॉप्स थी, इसलिए लगा कि ये भाई एक बारी जो भी फूड है उसे टेस्ट करते हैं, उनके रेट वगैरह देखते हैं और बताते हैं खाना चाहिए या नहीं। तो अखरोट का भाई, जो ये अखरोट ही कहूँगा मैं तो, ये चेस्टनट का मिला जुला सा रिव्यू रहा, दो लोगों को हमें अच्छे लगे और दो को नहीं लगे। अगर आप इस्तांबुल आ ही रहे हैं तो एक मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है यहाँ पर, जो है इस्तांबुल कार्ड, जो कि यहाँ ट्राम में भी चलता है, बसेस में भी चलता है, और फेरी में भी यूज होता है। और परमवीर बताएगा ये कार्ड की क्या कीमत है और कैसे इसको यूज किया। कार्ड एक जो मैंने आपको दिया था वो दिखाओ, ये तो पास है बेसिकली, ये रहा कार्ड, कार्ड ही होता है ये, हर सिटी का अलग है, टर्की में ये भी दिखाते हैं, पुराना है ये, हर सिटी का अलग है ऐसा कार्ड है। ये कार्ड आप लोगे तो आपके पब्लिक ट्रांसपोर्ट में रुपए कटेंगे, टर्किश लीरा में 4.1 टर्किश लीरा, यानी कि इंडिया के 20 से 25 रुपए के बीच में। और अगर आपके पास ये कार्ड नहीं, क्योंकि हर जगह नहीं मिलता, इसकी अलग मशीन है, ये कार्ड नहीं है, तो आप ये पास ले सकते हो, 1 टाइम पास, 10 टाइम पास, 3 टाइम, 2 टाइम पास, ये 10 बारी का पास है, ये पड़ता है 46 टर्किश लीरा का, यानी कि एक राइड इसमें 4.6 टर्किश लीरा की पड़ी। और आपको एक ही राइड लेनी है तो आप ये सिंगल पास ले सकते हो, बीर गेज, बीर मतलब 1, गेज मतलब पास, एक लीरा 5.5 का, और 8 है तो ये कितने का, 40 का। और अगर आपको ये लेना है तो ये सारी मशीन्स लगी हुई हैं, आप यहाँ से ये पास ले सकते हैं। और नॉर्मल कार्ड भी यहीं से मिलता है, कार्ड भी नहीं, इन मशीनों में कार्ड नहीं है, ये जो मशीन्स लगी हुई हैं यहाँ से आपको पास मिल सकता है, या तो रिचार्ज किया या फिर पास किया। और कार्ड कहाँ मिलेगा, ऐसी बड़ी मशीन होती है, ऐसी बड़ी मशीन होती है, एमिनोनू, अभी हम जा रहे हैं आपको दिखाते हैं। अरे यार, परमवीर सारे सिक्के खत्म, मास्क लेना था। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में
मास्क जरूरी है यहाँ पर, तो जब भी आए मास्क लेके आए। वैसे भी कोशिश करें मास्क पहने रखें, ज्यादा बढ़िया है जहाँ पे भीड़ भाड़ हो। सुल्तान अहमद ट्राम स्टेशन से हम उतरे हैं एमिनोनू ट्राम स्टेशन पर, जहाँ से हम बासपोरा स्ट्रेट फेरी लेंगे और थोड़ा सा वहाँ पर घूमेंगे। मैं जब इस्तांबुल में एंट्री की थी तो बहुत सारी मॉस्क थी यहाँ पे। परमवीर ने मुझे बताया कि यहाँ पर वर्ल्ड की सबसे ज़्यादा मॉस्क है। परमवीर, वर्ल्ड की सबसे ज़्यादा मॉस्क इस सिटी में है। कितनी मॉस्क हैं भाई? शायद 1500 है। 1500 मॉस्क हैं शायद से यहाँ पर। तो मेरे को और आपको भी, जब भी आप इस्तांबुल आना चाहेंगे तो ब्लू मॉस्क और हाजिया सोफिया देखना चाहोगे। जैसे एंट्री की तो बहुत सारी मॉस्क थी यहाँ पर, मेरे को हर मॉस्क ऐसी लग रही थी कि यार हाजिया सोफिया है। मैं बार बार परमवीर को तंग कर रहा था, परमवीर ये कह रहा नहीं भैया वो कहीं से भी नहीं दिखती, वो वहीं जाके दिखेगी। तो ये एक बड़ा वो हो रहा था। वैसे आपको बता दूँ, इस्तांबुल एक ऐसा शहर है दुनिया का जो दो महाद्वीपों में बटा हुआ है, यूरोप और एशिया में। इसका आधा हिस्सा एशिया में पड़ता है और आधा हिस्सा यूरोप में पड़ता है। तो अभी हम जिस जगह जाएंगे वो यूरोप और एशिया को साथ में जोड़ती है फेरी। चलो चलते हैं। अभी अभी चेक किया है कि 3000 से ज़्यादा मॉस्क हैं इस्तांबुल सिटी में अकेले में। और एक ये मॉस्क है, ये सारी मॉस्क जो है ना सारा एक ही डिज़ाइन है, कोई थोड़ी बड़ी है कोई थोड़ी छोटी है। तो जैसे ही आप इस्तांबुल में घुसेंगे हर मॉस्क आपको हाजिया सोफिया और ब्लू मॉस्क जैसी लगेगी। तो लेकिन आपको उनको देखने के लिए जाना पड़ेगा। हाजिया सोफिया और ब्लू मॉस्क जो था सबसे ज़्यादा फेमस है। चलो आगे चलते हैं। और यार ये रोड क्रॉस करने के लिए सबवे है जिसमें बिल्कुल पूरी मार्केट बनी हुई है। हमें पकड़नी है फेरी, हम फेरी पकड़ने आए हैं। एमिनोनू स्टॉप पे हैं और ये जाने नहीं दे रही, जाना पड़ेगा डार्लिंग। बाय 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 भाई। इस्तांबुल की ये ब्यूटी है यार, ये सीन देखने के लिए तरस रहा था, मजा आ रहा था। तो मेरी आंखों में सीन आ रहा था कि यार ये देखना है। तो ये सीगल्स और पीछे का ब्यूटीफुल सीन। और जब पहली रात को ऐसा लगा था यार ये कहाँ आ गए, इस्तांबुल इस्तांबुल करते रहते हैं, इतनी सुंदर जगह है, बिल्कुल सुंदर नहीं लग रही थी। लेकिन हाँ, इस फेरी पे जरूर आना जब भी आप इस्तांबुल आएँ। ये फेरी टूर हर तरह कई तरह का होता है, जब आप आएंगे तो आपको पता लग जाएगा। अभी डिटेल में जाने के लिए नवांकुर भाई की वीडियो देख लेना, वो ज़्यादा डिटेल में बता रहा हूँ भाई चीज़ों को। तो यार मज़ा, इंस्टाग्राम फोटो वीडियो वाली जगह है। फेरी हमने 4.8 लीरा में ली थी, लगभग इंडियन 25 रुपए में। और इसके पैसे बिल्कुल वसूल हैं, जो भी इस्तांबुल लोग आए होंगे उन्होंने ये फेरी ज़रूर ली होगी और उन्हें पता है कि जो सीन है वो कितना ब्यूटीफुल था उनके लिए। और आज जहाँ मैं हूँ ये बहुत ब्यूटीफुल सीन लग रहा है। और जब भी आप आएँ इस फेरी को ज़रूर आप आना और इसको इंजॉय करना। जो व्यू है, जो ये सीगल्स आपके पास आते हैं, इसका जो अलग ही मनमोहक नज़ारा मिलेगा भाई। ठंड बहुत है, अगर आप लोग दिसंबर जनवरी के महीने में आ रहे हो यहाँ तो भारी कपड़े लाना। और इस पे फेरी पे आना है तो और ग्लव्स कैप वगैरह सब लाना, या फिर अंदर बैठे रहना। अंदर बैठोगे तो मज़ा नहीं आएगा, है ना। और ऊपर जाने के लिए ग्लव्स कैप सब कुछ होनी चाहिए आपके पास। अभी स्टॉप आ गया है पीछे और शायद उतरेंगे हम, और उतर के देखते हैं कहाँ जाते हैं। हम 15 मिनट बाद फेरी से उतरे हैं काराकोय स्टेशन पर, जो कि एशियन साइड में इस्तांबुल की। और
खाने की बात चल रही थी तो यहाँ पर जगह जगह ये स्टॉल से लगे हुए हैं जिसमें ये सीमित इसको कहते हैं मिल रही है और भी कुछ कहते हैं इसको नहीं सीमित ही बोलते सीमित व्हाट यू कॉल दिस सीमित तो सीमित ट्राई करते हैं भाई सारी जगह ये जरूर मिल रहा है। बिताने पनीर ली सीमित पनीर योक तमाम सीमित बीस सीमित पनीर इस पे भी नहीं है भाई पनीर वाला परमवीर भाई ने कहा था लेना वो खाया जाएगा लेकिन अब क्योंकि ठंडी है ना थोड़ी सूखी सूखी लगती है तो बहुत बटर है पनीर है बटर है ये बटर से खाई जाती है शायद टेस्ट करते हैं नामांकुर पहले ही एक सेकंड रुको इसे बोलते कटवा के इसे देना लो जी बटर इनसाइड नो बटर भी इनसाइड नहीं लगा रहे भाई मैं नहीं खा सकता ये मैं खा लूंगा मेरे को दे दे ये बेसिकली ब्रेड है उसके ऊपर ये तिल नहीं होते वो तिल लगे हुए और ये परमवीर ये नहीं कहते गरीबों का खाना यहाँ पे आइए पहले गरीब लोग खाते थे अब भी मतलब ये सस्ती आती है तो गरीब लोग खा रहे भाई पर हम पैसों में गरीब है कुछ लोग व्यूज में गरीब होते नहीं दोस्त यारों का मजाक चल रहा है और अच्छी बात है मेरे ख्याल किसी भी वीडियो में आपने चार बेहतरीन यूट्यूबर परमवीर बेनीवाल ट्रैवलिंग मंत्रा मनोज नामांकुर चौधरी यूट्यूब अकाउंट है पता ही भूल गए नाम पता देवांग सेठी भाई है अपना पंजाबी बॉर्डर हम मजाक कर रहे हैं आपस में चल रहा है मैं बच जाता हूँ क्योंकि मैं बढ़ाऊँ तो बस छोड़ देते हैं मुझे बख्श देते हैं लेकिन उम्र में बढ़ाऊँ भाई और ये बहुत हार्ड है यार मैं खा लूँगा मेरे को पसंद है परमवीर को पसंद है तू खा लियो भाई मक्खन भी मिला साथ में पैसे देते हम आज 3.5 भाई ये 100 ग्राम 3.5 का 3.5 3.5 का ही है सारा 3.5 का हो गया 15-20 रुपए हार्ड वो था भाई भाई बाहर आ रही थी बारिश और ठंड भी बहुत है मतलब 4 डिग्री के लगभग टेम्परेचर है और अगर आप में से कोई स्थान गुजार रहा है तो और आपको ठंड लगती है तो दिसंबर के टाइम में मत आना बहुत तेज हवा चल रही है हमारी तरह जगह जगह बैठना पड़ेगा हीटर के नीचे जगह ढूंढते फिरोगे हवा भी बहुत तेज है बारिश भी आ रही है तो जब भी आओ तो अच्छे वेदर में आना शायद सितंबर अक्टूबर का वेदर यहाँ बेस्ट रहता है सितंबर अक्टूबर मार्च अप्रैल राइट इन्हीं दिनों में आना तो अच्छा लगेगा सुंदर जगह है और अभी हम आए हैं एक रेस्टोरेंट में बैठे इसलिए थे क्योंकि बाहर बारिश आ रही है इसलिए बैठे हैं यहाँ आके और भाई ने क्या मंगाया है डोनट हाँ लेकिन ये सैंडविच है वो कबाब वो रोल नहीं है ये ब्रेड अलग है चिकन अलग है फ्राइज अलग है चावल अलग है टमाटर अलग है सही है सही है तो हमने मंगाया भाई ये अभी खाने के लिए सैंडविच टाइप का एक चिकन है इसमें मटर मिक्स वगैरह है देख लिया होगा आपने क्या क्या है इसमें और मैंने मंगाई है टर्किश कॉफ़ी बहुत गंदी होती है मैं ऑलरेडी आपको बता दूं मुझे कभी भी पसंद नहीं है लेकिन विदेशों में जाके बहुत जगह अरब कंट्रीज में बहुत जगह पी टर्किश कॉफ़ी ट्राई की बार बार अच्छी नहीं लगी लेकिन अब टर्की आए हैं तो यहाँ टर्की में भी ट्राई कर ही लेते हैं जब बाहर दुनिया में ट्राई करते हैं टर्किश कॉफ़ी को टर्की में आके क्यों छोड़े ट्राई करते हैं मैं ऑलरेडी बता दूं भैड़ा मुंह बनाने वाला हूं नहीं यहाँ बेकार नहीं है जितनी और देशों में होती है यहाँ बेटर लग रही है हाँ भाई कैसा है अच्छा है और जगह भी शायद और अच्छा होता है भूख लगी ना जो खाने में भूख लगी हो तो सब कुछ अच्छा लगता है तो ये अच्छा है इनका जो चिकन है ये बता रहे हैं मेरे प्यारे भाई टी परमवीर देवांग मिस्टर नावानपुर मैंने एक और टर्किश कॉफ़ी मंगवाई है उसकी वजह ये है कि परमवीर ने बताया कि इसके पीछे एक मतलब क्या जुड़ा हुआ है कहावत जुड़ी हुई है कुछ कहानी जुड़ी हुई है कहावत सी है ये इधर मानते हैं टर्की में ऐसा कि आपकी टर्किश कॉफ़ी आपका फ्यूचर बताती है आप किस हिसाब से कॉफ़ी पीते हो और उस बेसिस पे तो जब कॉफ़ी ख़त्म हो जाती है तो इसको कप को उल्टा करके रख देते हैं 5-7 मिनट जब तक कप ठंडा नहीं हो जाता जब कप ठंडा हो जाता है तो उसे पलटते हैं तो एक जना जैसे कॉफ़ी पी रहे हो तो जो पी रहे उसके अलावा कोई एक जना वो कप को पलटता है योक तशक्कुर हैदरीन तो उसे पढ़ता है और फ्यूचर बताते हैं जिसने कॉफ़ी पी थी उसका भाई मैंने पहले वाली पूरी पी ली थी
तो भाई ने बोला इसमें छोड़नी होती है थोड़ी, तो अगर आपको फ्यूचर अपना देखना तो इसमें थोड़ी छोड़ देना, तो इसलिए दोबारा मंगाई है। अभी से छोड़ेंगे और फिर फ्यूचर देखेंगे क्या बता रही है। पाउडर तो होता है नीचे का, पियोगे वो गाढ़ा गाढ़ा पाउडर आ जाएगा कॉफी का, वो नहीं पीना आपको, वो छोड़ना है। ठीक है भाई, तो जब भी आप आए तो पाउडर छोड़ना है और भविष्य जान लेना है, उज्ज्वल है भविष्य हमारा। कॉफी बेटर है बाहर देशों से, मतलब जहाँ बाहर देशों में टर्किश कॉफी पी उस कॉफी से यहाँ टर्की में टर्किश कॉफी बेटर है, पी जा। लो भाई, बीच में नीचे का जो पाउडर पाउडर है वो रह गया है, बॉर्नविटा। लो भाई बताना जरा कैसे करना होता है ट्रेडिशन, इसको ऐसे करके अब इसे ऐसे इसको रख दो ऐसी वैसे। अभी जब ठंडा हो जाएगा तभी से छेड़ना, उससे पहले नहीं छेड़ना। अच्छा, ऐसे था ट्रेडिशन तमाम बात भाई एक कप ठंडा हो चुका है और परमवीर जी फ्यूचर कौन बताएगा, परमवीर बताएगा। लो भाई ये बात, फ्यूचर फैल गया, फ्यूचर फैल गया सारा। अब वादा रखने का वो ताल है, अब हमें इसमें देखना है जो जितना भी माल बचा। हाँ आ जाओ पंजाबी भाई, क्या क्या दिख रहा है? मुझे दिख रहा है कि बंदे का दाढ़ी है, उसके बाल है बड़े बड़े, वो तो तू ही है यार। भाई फ्यूचर का क्या हुआ? फ्यूचर कुछ ज्यादा देखने का उसमें था नहीं, बस मेरे को तो एक घोड़ा दिख रहा था, घोड़ा दौड़ रहा था, आप उसके ऊपर बैठे थे, तो हो सकते है कि आप शायद किसी ऐसी जगह जाओ जहाँ पे घोड़े हो, मंगोलिया या किसी ऐसी कंट्री, बस इतना मेरे को थोड़ा उससे लगा। चलो अच्छा ही था जो था। हाँ जी, तो भाई उसके बाद हमने चाय भी मंगा लिया है। एक मुझे ये भी दिख रहा था कि पंजाबी आपकी सारी वीडियोज बनाएगा जब तक आपके साथ है। ये कम से कम 7-8 चक्कर मार चुका है जितनी देर से हम बैठे हैं, लगभग 10-15 मिनट 20 मिनट में 5-6 चक्कर मार चुका होगा, ज्यादा मार गया होगा। तो इसकी एक और वजह है, इसकी वजह यह है कि यहाँ पर लोग सबसे ज्यादा चाय पीते हैं पूरे वर्ल्ड में, जो टी कंजप्शन है वो सबसे ज्यादा टर्की में है, जिसकी एवरेज है 3.25 किलो पर साल, एक आदमी 3.25 किलो पर साल यहाँ चाय पीता है। उसको आप ऐसे समझिए कि इंडिया का एक आदमी एवरेज 330 ग्राम चाय पीता है साल में, और यहाँ का एक आदमी 3.25 किलो चाय पीता है। और ब्रेड कंजप्शन में भी ये सबसे ऊपर है टर्की वाले, हर बंदा यहाँ का जो है एवरेज 200 किलो ब्रेड खा जाता है साल की, 200 किलो और कुछ भी मंगा लो उसके साथ एक ब्रेड रख जाते हैं। नवांकुर भाई और हमने जो खाना वहाँ मंगाया था उसके साथ 2 एक्स्ट्रा ब्रेड रख गए थे, वो खाएं पता नहीं किससे, हमें नहीं पता लगा कि किसके लिए रख गए, बस 2 ब्रेड रख गए। तो यहाँ पर जो चाय है वो सबसे ज्यादा कंज्यूम की जाती है पूरे वर्ल्ड में। मेरे को तो लग नहीं रहा चाय का हिसाब रख रहा है ये, क्योंकि इंडिया के 25 रुपए की, पहले आती थी 1 लीरा की, आधे लीरा की, पर इनकी करेंसी कमजोर होगी इसलिए इतने ज्यादा ही कर दी। चलो 25 रुपए की चाय है भाई, ये कितने रुपए की पी जाते हैं देख लो आप। बारिश हो गई है बंद और यहाँ से चलेंगे, बिल हमारा आया 105 लीरा, इंडिया के लगभग 525 रुपए, और आगे चलते हैं कुछ देखते हैं, बारिश थोड़ी सी बंद है। चले जी, चलो जी।